नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी रसोई में। आज हम बनाएंगे अप्पम, जो कि साउथ इंडियन डिश है। इसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इवनिंग में बना सकते हैं। आपकी छोटी मोटी भूख का बहुत ही इंस्टेंट सॉल्यूशन है ये, और बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। तो चलिए इसके लिए प्रिपरेशन देख लेते हैं। ये मैंने आधी कटोरी सूजी ली है, लगभग 100 ग्राम के करीब। और ये मैंने लस्सी ली है, ये होममेड लस्सी है। आप चाहे तो अमूल की लस्सी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये लस्सी को हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी में डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसका हमें बहुत ही स्मूथ बैटर बनाना है। अब इसमें थोड़ी सी और लस्सी ऐड कर लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे ऐड कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। इसमें अभी और लस्सी हमें ऐड नहीं करनी है। ये देखिए, इस तरह से ये बैटर हमारा स्मूथ तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और इसे हमें अभी छोड़ देना है आधे घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए, क्योंकि सूजी फूलती है। ये देखिए, ये फर्मेंट हो गया है। अब हम वेजीज देख लेते हैं। मैंने कटे हुए प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और पनीर यहाँ पर लिया है। और अब ये सारी वेजीज जो हैं हम अपने इस बैटर में डालेंगे। देखिए, कोई भी वेजीज अपनी पसंद के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्याज टमाटर का यूज़ ना करें इसमें। ये देखिए, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये देखिए कितना स्मूथ, ये फूल कर कितना फ्लफी हो गया है और कितना स्मूथ है ये। तो अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ये कलछी ली है और इसे गरम कर लिया है। इसमें अब हम डालेंगे 2 चम्मच घी। ये देसी घी का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं। थोड़े से सरसों के दाने इसमें डालेंगे हम, और थोड़े से डालेंगे कड़ी पत्ता। ये देखिए, तड़का हम ठंडा होने देते हैं और तब तक हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। देखिए, इसमें और कोई भी मसाले हमें नहीं डालना है, बस नमक और मिर्च ही हम इसमें यूज़ करेंगे। और अब ये तड़का ठंडा हो गया है तो ये मैं इसमें डाल लूँगी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है साउथ इंडियन अप्पम का। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बैटर बन गया है हमारा। और अब हम इसमें डालेंगे इनो, मैं एक पैकेट ले रही हूँ, लेकिन ये पूरा हमें नहीं डालना है। ये देखिए, ये आधा चम्मच इनो लिया है मैंने, और इसे इसमें इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब ये मैंने एक अप्पम स्टैंड लिया है और इसमें मैंने अच्छी तरह से, देखिए, ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया है। और इसमें डालेंगे थोड़े थोड़े हम सरसों के दाने। ये देखिए, और इसमें अब ये बैटर हम डालेंगे। तो याद रहे कि हमें एक एक चम्मच ही बैटर इसमें डालना है, क्योंकि ये फूलते हैं और इसमें जो स्पेस है उसके लिए एक चम्मच इनफ है। तो हम एक एक चम्मच ही बैटर इसमें डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से सभी खांचों में मैं डाल लूँगी बैटर। ये देखिए, और इसे ढक लेंगे, और ये 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे चेक कर लेंगे कि ये नीचे से पके हैं या नहीं। और ऊपर से देखिए कितने फ्लफी हो गए हैं ये। तो हम इन्हें इस तरह से पलट लेंगे, क्योंकि ये नीचे से बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए, और इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा थोड़ा ऑयल, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। ये देखिए, इस तरह से सभी में मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल लूँगी। और ये देखिए, ये अप्पम तैयार हो चुके हैं। इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये 5 मिनट में कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी बन गए हैं। ये देखिए, कितने क्रिस्पी अप्पम बनकर तैयार हुए हैं हमारे। तो देखिए, ये अप्पम हमारे तैयार हैं बिल्कुल बनकर खाने के लिए। अब इन्हें सर्व कर लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ये, और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। तो जब भी आपको भूख लगी हो, आपके बच्चों को भूख लगी हो, आप फटाफट इमीडिएटली इसे बना सकते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा भी रेस्ट नहीं करना, केवल आधे घंटे में ये फर्मेंट हो जाता है और आप इसको आधे घंटे में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़रूर इसे घर पर ट्राई करें। टिल देन, बाय बाय।